हेलो एवरीवन, आई एम अनुजा श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 6 बायोलॉजी क्लास. टुडे आई विल टीच यू अबाउट द सेल साइज, शेप एंड नंबर. Usually, the size of the cell, it is measured in micrometers. And this micrometer, this is the 1/1000 part of millimeter. That means most of the cells are very tiny, which we cannot see with our naked eyes, and we have to use microscope for just observing the cell. But some cells we can also observe with our eyes. So let's see which is the smallest and the largest cell. So if we will see about the cell of bacteria, the small bacteria, it is ranges from 0.2 to 5 micrometer. And if we will discuss about the longest cell, that is the nerve cell, which is approximate 1 meter long. Now, some cells are also there which are very large and we can observe it with our open eyes, just like the egg of ostrich. The ostrich egg are 15 centimeter long and 13 centimeter wide. That means the size of the cells are ranges from micrometers to the centimeters and the meters. But that means they are depend upon their size, so that they are just denoting these things. Now, just to start the next topic, the number of cells. Now, if we are going to discuss about the number of the cells, so cells, it may be made up of only one cell or may be made up of more than one cell. That means the organism, the living organism, can be made up of one cell only. So the organism which is made up of one cell only, that organism is known as unicellular. इसका मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वन सेल, दैट मीन्स केवल एक सेल से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनिसेल्यूलर. यूनि का मीन्स होता है सिंगल और सेल्यूलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल. एंड दोज ऑर्गेनिज्म, दोज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब एक सेल से ज्यादा बने मिलकर के बनते हैं, दे आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर. मल्टी मीन्स मेनी, बहुत सारी, और सेल्यूलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स. सो इफ यू विल डिस्कस, अगर हम बात करेंगे यूनिसेल्यूलर की, सो यूनिसेल्यूलर सम ऑर्गेनिज जस्ट लाइक द अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज. एंड इफ यू विल डिस्कस अबाउट द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज, मैनी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, दे आर मल्टी सेल्यूलर, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं. सो लेट्स टेक अ क्विक डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर. As I told you earlier, मैंने पहले ही बताया है यूनिसेल्यूलर, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. एंड मल्टी सेल्यूलर,
made up of more than one cells. दूसरा डिफरेंस, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, केवल एक सेल से बना होता है, दैट मीन्स इनका सारा फंक्शन यही सेल करती है, इसीलिए इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, छोटी होती है. और मल्टी सेल्युलर बहुत सारी सेल मिलकर के काम करती हैं, तो इनकी लाइफ स्पैन मतलब इनका जो जीवन काल होता है वो बड़ा होता है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेल डिफ्रेंसिएशन. एब्सेंट, क्यों सेल डिफ्रेंसिएशन एब्सेंट है? पहले आप समझिए सेल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है. जब केवल एक सेल से बॉडी बनी हुई है तो इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, और अगर स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बनेंगे तो कोई भी ऑर्गन स्पेसिफाइड नहीं होगा किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए. इसीलिए सेल डिफ्रेंसिएशन मतलब केवल एक ही सेल होती है जो सारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेकिन मल्टी सेल्युलर में सेल डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज द क्विक डिफरेंस बिटवीन अ यूनि एंड मल्टी सेल्युलर. नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट मीन्स द शेप ऑफ द सेल्स. नाउ लुक एट द शेप ऑफ द सेल्स, आई ऑलरेडी ड्रॉन हियर, मैंने पहले से ही शेप्स यहां बनाए हैं. दिस इज द नर्व सेल. सो एज यू सी, आप देख रहे हैं नर्व सेल जो है इलोंगेटेड होती है. नर्व सेल इलोंगेटेड है, और क्यों ये इलोंगेटेड होती है? बिकॉज इट हैज टू ट्रांसमिट द मैसेज विद इन द बॉडी, क्योंकि ये मैसेज को ट्रांसमिट करती है हमारी बॉडी के अंदर. नाउ लेट सी द RBC, रेड ब्लड सेल्स. जो RBCs होती हैं वो बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती हैं. क्यों ये बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड होती हैं? क्योंकि इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को जितना एब्जॉर्ब करेंगी उतना ही ज़्यादा उसकी सप्लाई कर पाएंगी. नेक्स्ट इज द मसल सेल. मसल सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप, इस शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप, जिसमें कॉर्नर्स जो होते हैं वो नुकीले होते हैं और बीच में थोड़ा फूला हुआ होता है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं. और क्यों मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होती हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, और ये क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज द स्किन सेल. स्किन सेल्स फ्लैट होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर फ्लैट. और क्यों ये फ्लैट होती हैं? क्योंकि आपको पता है स्किन हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, इसीलिए स्किन सेल्स हमें प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करती हैं. और लास्ट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर द WBC, वाइट ब्लड सेल्स. जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका शेप इरेगुलर होता है. इरेगुलर होता है, और क्यों इरेगुलर होता है? क्योंकि ये अपने आप को स्क्वीज कर लेती हैं, स्क्वीज करके ये क्या करती हैं, ब्लड से अपने आप को बाहर निकाल लेती हैं, और ये क्या करती हैं, बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर, ये बॉडी को प्रोटेक्शन करती हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन. दैट्स वाई ये क्या कर रही हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही हैं. दैट्स वाई इनका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. In next video, we will discuss the next thing. Till then, bye-bye. Thank you.